सिर्फ 4 दिन खा लो, 4 दिन में ही इतनी जबरदस्त ताकत भर देगा ये नुस्खा कि 80 साल का इंसान भी कबड्डी खेलेगा, ज्वाइंट पेन और शरीर की कमजोरी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी और आपको पूरी जिंदगी कभी कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। नमस्कार दोस्तों, लहसुन का इस्तेमाल हम खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके इस्तेमाल से खाने का टेस्ट बदल जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लहसुन की एक कली हमारे शरीर को बहुत तरह की बीमारियों से बचा कर रखती है। ये आपके खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि आपकी सेहत के लिए भी एक चमत्कारी औषधि है। दोस्तों, अगर आप इसकी सिर्फ एक कली का सेवन हर रोज सुबह खाली पेट करते हैं तो यह आपके शरीर के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। दोस्तों, आयुर्वेद में लहसुन के लिए कहा जाता है कि इसके सेवन से आप हमेशा जवान बने रहेंगे, आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया इससे रुक जाएगी। साथ ही यह कई बीमारियों में जैसे बवासीर, कब्ज, कान का दर्द, ब्लड प्रेशर, भूख बढ़ाने, मोटापा, हार्ट ब्लॉकेज और डायबिटीज आदि बीमारियों में इसका प्रयोग बहुत अधिक चमत्कारी है। दोस्तों, यह कई बीमारियों की रोकथाम तथा उपचार में बहुत अधिक प्रभावी है। जब आप कुछ भी खाने या पीने से पहले लहसुन खाते हैं तो इससे आपके शरीर की ताकत बढ़ती है, जो कमजोरी है वो बिल्कुल जड़ से खत्म होती है तथा यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। सुबह खाली पेट लहसुन खाने से यह और भी अधिक प्रभावी हो जाती है। इसके इस्तेमाल से जो शरीर के जो कीटाणु हैं वो खत्म हो जाते हैं तथा लहसुन की शक्ति से वे आपके शरीर की रक्षा करते हैं। रक्षा करने वाला बैक्टीरिया आपके शरीर में उत्पन्न होता है, इससे बैक्टीरिया ओवर एक्सपोज्ड हो जाते हैं तथा लहसुन की शक्ति से वे अपनी रक्षा नहीं कर पाते। इससे होने वाले स्वास्थ्य लाभों की सूची दोस्तों कभी खत्म नहीं होती। तो आइए दोस्तों जानते हैं लहसुन खाने के चमत्कारी फायदों के बारे में। फेफड़ों की बीमारी के लिए दोस्तों, यदि आपको फेफड़ों से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो आप ये अर्क अपने घर पर बनाएं। 200 ग्राम लहसुन, 700 ग्राम ब्राउन शुगर और 1 लीटर पानी। पानी को लहसुन के साथ उबालें और फिर इसमें शक्कर मिलाएं और दिन में 3 चम्मच इसका सेवन करें। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपकी फेफड़ों की बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। हाई बीपी से बचाएं। कई लोगों का मानना है कि लहसुन खाने से हाइपरटेंशन के लक्षणों में आराम मिलता है और यह बात बिल्कुल सही भी है। यह न केवल रक्त के प्रवाह को नियमित करता है बल्कि यह हृदय से संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है तथा लीवर और मूत्राशय को भी सुचारू रूप से काम करने के लिए मददगार है। दोस्तों, यदि आप लहसुन की एक कली को हर रोज सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे ना तो आपको कभी हाई बीपी होगा और ना ही आपके शरीर में जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बढ़ जाता है वो समस्या आपको कभी आएगी। और दोस्तों, जब आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होगी तब ना तो आपको हार्ट ब्लॉकेज होगा और ना ही आपको हार्ट अटैक आएगा। यानी ये हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट अटैक की समस्या का इलाज कर देगी और इसके साथ में आपके शरीर के खून को पतला करने का काम भी करेगी, जिससे आप बहुत तरह की जो खून की ये गाढ़े होने के कारण बहुत सारी बीमारियां खासकर कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां हमारे शरीर में लगती हैं, आप उन सब से बचे रहेंगे। या जो ब्लॉकेज की समस्याएं होती हैं, तपेदिक में भी लाभकारी है लहसुन का सेवन। दोस्तों, तपेदिक में आप लहसुन के इस उपचार को अपनाएं। एक दिन में लहसुन की एक पूरी गांठ खाएं, इसे कुछ भागों में बांट लें, आपको जिस प्रकार भी पसंद हो इसे खाएं। यदि आप इसे कच्चा खा सकते हैं तो कच्चा खाएं, यदि आप इसे भूनकर खा सकते हैं तो भूनकर खाएं। दोस्तों, इससे आपको चमत्कारी रिजल्ट दिखाई देंगे और आपकी ये समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। डायरिया दूर करें। पेट से संबंधित समस्याओं जैसे डायरिया आदि के उपचार में भी लहसुन बेहद अधिक प्रभावी है। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि लहसुन तंत्रिकाओं से संबंधित बीमारियों के उपचार में भी बहुत अधिक प्रभावी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पेट से जुड़ी कोई भी बीमारी है, जैसे आपका पाचन तंत्र कमजोर है या आपको खाया पिया आपके शरीर में नहीं लगता या आपको कब्ज, पेट में गैस या एसिडिटी की समस्या है, तब हर रोज सुबह खाली पेट एक आप कच्ची लहसुन का सेवन करें। एक कच्ची लहसुन की कली को चबाकर खाएं। इससे आपकी पेट से जुड़ी हर तरह की बीमारी का इलाज हो जाएगा, आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, कब्ज, गैस और एसिडिटी की समस्या आपको नहीं होगी। अस्थमा रोग के लिए लहसुन श्वसन तंत्र के लिए भी बहुत अधिक लाभकारी है। यह तपेदिक, अस्थमा, निमोनिया, जुखाम, ब्रोंकाइटिस, पुरानी सर्दी, फेफड़ों में जमाव तथा कफ आदि की रोकथाम के लिए एक बेहद अधिक प्रभावी उपचार
उपचार है। दांत दर्द के लिए, अगर आपके दांत में दर्द हो रहा हो तो लहसुन की एक कली आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद साबित होगी। इसमें एंटीबैक्टीरियल और दर्द निवारक गुण होते हैं जो आपको इस दांत के दर्द से राहत दिलाते हैं। इसके लिए इसका एक कली पीसकर दांत के दर्द वाली जगह पर आप लगा दें। वैकल्पिक उपचार, दोस्तों जब भी आपको अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत होती है तो दोस्तों लहसुन एक बहुत अधिक कारगर उपचार है। दोस्तों आप, यह इतना अधिक शक्तिशाली है कि यह आपके शरीर के परजीवों और कीड़ों से आपको बचाता है और बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा कर रखता है, यानी कि आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है डायबिटीज की बीमारी के लिए। दोस्तों यदि आपको शुगर की बीमारी है या फिर आप इस शुगर की बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशन है आप उनसे बचना चाहते हैं, जैसे कि इसके कारण आपको लीवर के रोग हो जाते हैं, हार्ट से जुड़े रोग हो जाते हैं, पाचन तंत्र से जुड़े रोग हो जाते हैं, तो दोस्तों तब भी लहसुन का सेवन आपके लिए बहुत अधिक कारगर है, क्योंकि आप एक लहसुन की कली का सुबह खाली पेट सेवन करके इस अपने डायबिटीज की बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं और इस बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशन है आप उन सब से भी बचे रह सकते हैं। नसों में झंझनाहट, दोस्तों यदि आपकी नसों में झंझनाहट रहती है तब आपको लहसुन का सेवन हर रोज सुबह खाली पेट करना चाहिए और यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। भूख को बढ़ाए, दोस्तों यदि आपको पेट से जुड़ा कोई भी रोग नहीं होगा और आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा तब आपको भूख प्रॉपर लगेगी और जो आप खाएंगे वो आपके शरीर में ही लगेगा। जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द या घुटनों का दर्द, दोस्तों यदि आपको किसी भी तरह के दर्द की समस्या है तब भी दोस्तों लहसुन आपके लिए बहुत अधिक कारगर है। तब आप एक कली लहसुन का सेवन सुबह खाली पेट करें और लहसुन का तेल बनाकर जहां पर भी आपको दर्द है वहां पर मसाज करें। दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो दर्द है वो छुमंतर की तरह गायब हो जाएगा। और लहसुन का तेल बनाने की विधि हमने पहले आपको बताई है कि आप कैसे लहसुन का तेल अपने घर पर ही बना सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गए लहसुन खाने के फायदे, अब जानते हैं इससे जुड़ी कुछ सावधानी। दोस्तों आपको लहसुन का सेवन भी अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए और यदि आपको लहसुन से किसी भी तरह की कोई एलर्जी है तब आपको लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप भी लहसुन का एक कली का सेवन हर रोज करेंगे तब आप अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना देंगे। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।